सब्सक्राइब करें शहर कटिंग एंड स्टिचिंग को और क्लिक करें बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैंने 3 इंच की मोहरी ले ली, दोनों साइड में एक एक लहर बना लेनी। अब आपको इसको नापना है, इसका बीच सेंटर, तो ये 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच का हाफ करेंगे तो हुआ 1.25 इंच। अब आपको 1.25 इंच पर मार्किंग करते जाना है और इन सभी निशानों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना इंच टेप की हेल्प से और हल्का हल्का चौक चलाते हुए। अब आपको अपने डिज़ाइन के लिए 3-3 इंच पर मार्किंग करते जाना है पूरी मोहरी में, और यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना एक फ्लावर बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, बस आपको अपने फ्लावर पर सिलाई चलानी है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपके फ्लावर जो है सभी बराबर बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से बन जाता है फ्लावर और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको अपने हल्के हाथ से अपनी मोहरी को घुमाना है और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा ये फ्लावर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपको मेरा ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बनकर ये डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले धागे को कट कर देना है और इसके पीस सेंटर में रखना है सिलाई को, और इसके अंदर एक एक सिलाई लगा देनी होगी ताकि हमारा फ्लावर जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से लगा देंगे दोनों साइडों में, बहुत ही सुंदर लगेगा इन सिलाइयों के लगने के बाद ही फ्लावर। और यहीं से बैक करना है आपको अपनी सिलाइयों को और कट कर देना है सभी धागों को। तो देखिए इस तरीके से आएगा, सभी फ्लावर बनकर कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगानी होगी और बीच में इस तरीके से थोड़ी गुलाई देते हुए और यहाँ पर इस तरीके से लहर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी सिंपल सिलाइयों को लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और ऊपर की साइड सिलाई को ले जाते हुए फ्लावर के ऊपर और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें बीच वाली लहरों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहीं से आपको सिलाई को बैक करना है अपने फ्लावर के ऊपर की ओर के, और दूसरी साइड में इसी तरीके से लहर बना देंगे। लहरों से क्या है, मोहरी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसी तरीके से बना लेंगे सभी फ्लावर को, अंदर धागों को कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मोहरी बनने के बाद, कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स।